आजकल जो भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। लक बाय चांस अगर आपको इनमें नहीं मिलता तो किसी और एप्लीकेशन में बहुत ही रेयरली केस में देखा गया है कि आप इन दोनों कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जाके ऑर्डर करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ही ऐसी कंपनी है जो कि सबके मोबाइल एप्लीकेशन में एक एक एप्लीकेशन होता ही है। सो इस वीडियो में आपको इन दोनों कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, कंपैरिजन बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मोबाइल लेना है, कोई टैबलेट लेना है या फिर कोई प्रोडक्ट लेना है ऑनलाइन, आप देखते हो अगर वो महंगा होता है तो आप साल में एक बार लेते हो। जैसे कि अगर आपको आईफोन लेना है तो आप वेट करते हो कि कब फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे ऑफर आएगा और आप वहाँ पर कम से कम प्राइस में आईफोन या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो। ठीक वैसे ही अमेजन का भी सेल चलता है। अगर आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पहले शॉर्टलिस्ट होता है कि बिग बिलियन डे या फिर कोई भी सेल में हो आपको 10,000 का अमाउंट जो आपको पे करना होता था आपको 8,000 या फिर 7,500 आपको पे करना होगा। आपको ऑफर आता है कि ये 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए होता है। लेकिन काफ़ी सारे टाइम में देखा गया है कि प्राइस चेंज के मामले में फ्लिपकार्ट सबसे आगे है। आप देखोगे कि हाँ मेरे को 7,500 में कल दिया था, मतलब कि देखा था तो आज ऑर्डर करता हूँ। आप देखोगे मोबाइल खोलोगे तो सडनली वो अमाउंट जो है ऊपर जाता है और डेली चेंज करता रहता है, प्राइस चेंज जल्दी ही कर देता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट मोस्ट ऑफ द केस में। और अमेजन में ऐसा नहीं है, वो स्टेबल रहता है। अगर आपको बताएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना ही है तो आपको उतना अमाउंट दे के आप उसे खरीद सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेजन में। इसके बाद का पॉइंट है वो है एक्सचेंज ऑफ़र। अगर आपके पास पुराना मोबाइल पड़ा है, आप उसे एक्सचेंज करके कोई नया मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में अगर आप ऑर्डर करते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ केस में देखा गया है वो कैंसिल हो जाता है ऑर्डर। अगर आप फ़ोन करोगे कस्टमर केयर को तो बोलेंगे कि वो सेलर ने कैंसिल कर दिया या फिर कोई और रीज़न बता सकते हैं। लेकिन अमेजन में सबसे बेस्ट है, अगर आपको पुराना मोबाइल देना है जितना उसका प्राइस होगा उसके हिसाब से वो दिखाएंगे कि आपका मॉडल इतना है, आप इतना माइनस हो जाएगा, आपको इतना पे करना है नया मोबाइल के लिए, बस सिंपल आप कर सकते हो। तो प्राइस चेंज के मामले में और एक्सचेंज ऑफर के मामले में इन दोनों केस में अमेजन मुझे सबसे अच्छा लगा। इसके बाद है नेक्स्ट कूपन ऑफर। अगर आपको कोई ख़रीदना है प्रोडक्ट, आप वहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक कूपन है जिसमें आपको 10% का आपको कैशबैक मिलेगा या फिर आपको ऑफ मिलेगा। तो आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारा फॉर्म होता है कि आप ये क्लिक करोगे उसके बाद ये क्लिक करोगे कूपन अप्लाई करोगे, बट नहीं होता मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है। लेकिन अमेजन में बस आपको सिंपल से क्लिक करना है वहाँ पर उस ऑफर में, बस आपका काम हो जाएगा। फ्लिपकार्ट में भी होता है लेकिन बहुत ही रेयरली थोड़ा देखा गया है कि आपको वहाँ पर जो ऑफर का जो सिस्टम है जो प्रोमो कोड वगैरह तो वहाँ पर वो सक्सेस उतना नहीं है क्योंकि वो प्रीपेड ऑफर है। लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं है, बस आपको क्लिक क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है, आपका कोड जो है अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट डिलीवरी पॉइंट की। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको ऑनलाइन करना है तो अमेजन में देखा गया है कि अगर आप आज ऑनलाइन करते हो तो 4 दिन 5 दिन बाद उसका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जा है। लेकिन देखोगे कि जो भी डेट ऑफ डिलीवरी होता है आप उससे पहले अमेजन में नहीं ले सकते, मतलब कि वो आता ही नहीं है, बहुत ही लेट करता है। अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन एमरजेंसी में चाहिए तो 15 दिन दिखाएगा, 17 दिसंबर में करोगे तो 5-10 जनवरी तक दिखाएगा और उतना देर तक लगता भी है। कोई कोई बहुत रेयरली केस में देखा गया कि जल्दी आता है, लेकिन अमेजन में बहुत ही ज़्यादा स्लो है डिलीवरी का। लेकिन फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट क्विक डिलीवरी है। फ्लिपकार्ट में जो आपका डेट होता है, अगर आप सपोज मान लीजिए 17 दिसंबर को आपने ऑर्डर किए कोई और आपका वहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी होगा 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर के अंदर ही आता है। मैं तो कहूँगा इससे जल्दी भी आता है कोई के केस में, अगर आपका सेलर पास नहीं होगा तो बहुत ही जल्दी आता है, इतना जल्दी कि आप बोलोगे कि हाँ मैं तो ऑर्डर किया नहीं था, 3 दिन पहले मतलब 3 दिन बाद में आना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी ही आता है। तो ये केस में फ्लिपकार्ट मेरे को सबसे अच्छा लगा। इसके बाद है नेक्स्ट चार्जेस की। तो फ्लिपकार्ट में COD, आपका कैंसलेशन ऑर्डर का चार्जेस ये वगैरह बहुत सारा करता रहता है, लेकिन अमेजन में ऐसा कोई चार्ज आपको रेयरली देखा गया है कि आपको देना होगा। लेकिन फ्लिपकार्ट में ज़्यादा आपको देना होता है चार्जेस वगैरह, कैंसिल करने का ऑर्डर हो गया, आपका कैश ऑन डिलीवरी का चार्जेस हो गया। लेकिन अमेजन में आपको नो चार्ज होता है, आपको वहाँ पर फ्री होता है सब कुछ, लेकिन जो कंपल्सरी चार्जेस है वो तो आपको देना ही है। इसके बाद है नेक्स्ट कस्टमर सर्विस की। तो फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट में अगर आप जब फ़ोन करोगे तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्डिंग कॉल आता है वो इतना नहीं आता एज़ कम्पेयर टू अमेजन। अमेजन में आपको पूरा पर्टिकुलरली आपको गाइड करते हैं, फ्लिपकार्ट में भी करते हैं, वो इतना बड़ा कंपनी है, लेकिन वहाँ पर जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका और यहाँ पर जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अमेजन में अगर आपको कोई पता नहीं होगा कि आपका कोई सामान आया हुआ है उसमें कोई छूट गया है या फिर जो भी आपको कंप्लेन करना है, आप यहाँ पर सीधे बात कर सकते हो, वो पैसा रिफंड करते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में अगर आप थोड़ा सा भी उनको डिस्कस कर दोगे कि नहीं सर ये तो गलत हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका अकाउंट को ब्लॉक ही कर देते हैं। ऐसा बहुत ही देखा गया है कि आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट जो है कस्टमर केयर की तरफ से ब्लॉक कर देते हैं अगर आप उनसे ज़्यादा डिस्कस करते हो तो। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्ले स्टोर की रेटिंग की, फ्लिपकार्ट कितना रेटिंग है और अमेजन कितना रेटिंग है, डाउनलोड कितना है, सारा चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट को कर लेता हूँ। तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर 4.3 का रेटिंग है और जो रिव्यू है 37 मिलियन रिव्यू, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो 500 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और इसका जो रेटिंग का पॉजिटिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 स्टार, लगभग 60-70% लोग 5 स्टार दिए हैं, 4 स्टार 10-20% लोग, इस तरीके से 3-2-1 स्टार बहुत ही कम लोग दिए हैं। तो फ्लिपकार्ट को कम से कम 50 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं, ये एंड्रॉयड 5.1 से ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। इसके बाद बात करेंगे अमेजन की कि अमेजन में इससे बेटर है या फिर नहीं। तो अमेजन में भी 4.1 का रेटिंग है, 8 मिलियन रिव्यू है, भले इसमें रिव्यू कम है लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अमेजन में फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में देखा गया है कि थोड़ा कम है रेटिंग वगैरह प्ले स्टोर का। तो जैसे कि वहाँ पर 500 मिलियन डाउनलोड था 50 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, और वहाँ पर आपको 4.3 ऐसा कुछ रेटिंग था लेकिन 4.1 का रेटिंग यहाँ पर है, और रिव्यू में भी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 8 मिलियन रिव्यू यहाँ पर आपको दिखा गया है। तो आप किस कंपनी का एप्लीकेशन यूज करते हैं, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न।